आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, यह है न्यूज टाइम। एमपीएटीएस ने गुजरात के सूरत में मारा छापा, अवैध हथियारों पर की कार्रवाई, 307 बैरल जब्त। जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड मामले में नया मोड़, तत्कालीन सीएमएचओ के खिलाफ फिर होगी विभागीय जांच। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे बंद, होशंगाबाद में जीतू पटवारी बोले अब घर वापसी करके दिखाओ। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑन बोर्ड किचन मेन्यू में किया बड़ा चेंज, भोपाल निजामुद्दीन के पैसेंजर्स रहे अलर्ट। मध्य प्रदेश मौसम विभाग का हीट अलर्ट, साल 2024 में टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड, अप्रैल में बारिश का अनुमान। रतलाम में पिता बना राक्षस, अपने ही बच्चों को जहर देकर तालाब में फेंका, खुद किया आत्महत्या का प्रयास। ग्वालियर में बस के विंडो सीट पर बैठने को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी डंडे चले, 4 महिलाएं सहित 7 लोग घायल। इंदौर से आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 8 लोग गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद। दमोह में वृद्धा के निधन पर निकाली गई अनोखी शव यात्रा, बैंड बाजा बारात के साथ मृत्यु का हुआ महोत्सव। खरगोन में आदिवासी भिलाला समाज की अनोखी गुड़ तोड़ प्रतियोगिता, यहां पुरुषों पर बरसती है महिलाओं की लाठियां। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।